हे गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो माफी चाहता हूँ कि वीडियो आपकी थोड़ा लेट आ रही है, तो कारण आपको पता है कि लॉकडाउन है और मार्केट का थोड़ा इशू है। मैंने आपको इससे बताया है, तो मैंने बहुत ट्राई किया है, तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी थोड़ा सा भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो जुगाड़ लगाया मैंने, हो सकता है एक दिन में चीज़ें अच्छी हो जाएँ तो चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर जो है वो क्या है, आपका क्रिस्टल फिल्टर। तो क्रिस्टल फिल्टर का देखा जाए तो क्रिस्टल आपका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई आपके जो एग्जाम देने वाले हो आप, DMRC, LMRC, जो भी मेट्रो एग्जाम होते हैं या जो इसरो के एग्जाम्स होते हैं, जो भी डिप्लोमा के एग्जाम होते हैं, उसमें क्रिस्टल फिल्टर या क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि सबको पता है कि एफ इक्वल टू होता है 1/2π√LC। ये फ्रिक्वेंसी होती है, अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी बात करेंगे ओमेगा की, तो 1/√LC हो जाएगा। ये सबको याद रहता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स इट। मुद्दा क्या आता है कि जो ये सर्किट बनता है, मीन्स ये जो क्रिस्टल आपका है, इसको आप कैसे डिजाइन करते हैं, यानी इसको आप कैसे इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को। और कभी कभी आपका F1 F2, ये क्या होता है, फिगर्स में ये चीज़ें थोड़ा क्लियर नहीं होती हैं, तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फिल्टर, तो क्रिस्टल आप एक यूज करते हैं, तो क्रिस्टल का यूज करके आप फिल्टर बनाते हो। जस्ट लाइक क्रिस्टल आपका ऑसिलेटर होता है, दोलित्र होता है, तो ये एज अ फिल्टर, एज अ दोलित्र वर्क करता है। इसकी चीज़ें बहुत कहानियाँ हैं, उसके बाद में बात करेंगे। चलिए अभी इसकी बात कर लेते हैं। मेड बाई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, यानी कि ये इसको आप पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के थ्रू बनाते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक एक ऐसा आपका मटेरियल होता है जिसमें आप मैकेनिकली कोई चीज़ लगाते हैं तो उसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल आता है। जस्ट लाइक अ ट्रांसड्यूसर आप बोल सकते हैं, यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ये कन्वर्ट कर देता है। बात समझ आई, ट्रांसड्यूसर टाइप। ठीक है, तो आपका जो ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, मैकेनिकली आपने उससे फोर्स लगाया और आपको उसने इलेक्ट्रिकली क्या किया, आउटपुट दिया। ठीक है भाई, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो आपका क्वार्ट्ज होता है, टर्मलाइन होता है, रॉसेल सॉल्ट होता है। इन तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कराऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, कराऊंगा तो देखेंगे। तो इन तीनों में कुछ खूबियां हैं, सबसे बेस्ट जो होता है वो क्वार्ट्ज होता है। क्यों होता है वो देख लेते हैं फटाफट। जो टर्मलाइन होता है ये कॉस्टली होता है, रिजिड यानी स्टेबल होता है, लेकिन लेस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इसके अंदर लेस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इट मीन्स मैकेनिकल फोर्स आप लगाओगे तो इलेक्ट्रिकली ये जल्दी अच्छे से या प्रॉपरली आपको जो आप चाहते हो वो आपको नहीं दे पाता है, कहने मतलब ये ओवरऑल। ठीक है, तो यानी कि लेस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें। अगर बात करेंगे रॉसेल सॉल्ट में, तो इसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत ही वीक होता है, यानी कि ये टूट भी सकता है। अच्छा, टूटने का क्या मतलब है सर, यहाँ टूट अगर वीक है तो उससे क्या मतलब है, उससे कोई हानि है क्या, कोई लॉस है क्या? हाँ जी बिल्कुल लॉस है। आपने क्या बोला कि आपका जो ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, इसको आप मैकेनिकली प्रेस करते हैं तो आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आपको सिग्नल मिलता है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो हड्डी टूट जाएगी, इट मीन्स आपका वीक नहीं होना है। तो अब यहाँ इन दोनों पॉइंट से आपको क्या मिला कि भैया पीजो इलेक्ट्रिक भी अच्छा होना चाहिए और आपका जो उसकी स्टेबिलिटी है, यानी कि जो वो रिजिड यानी कि उसका जो पावरफुलनेस है, यानी कि वो टूटे ना जल्दी, वो दोनों आपकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वार्ट्ज जो होता है वो आपको दोनों चीज़ देता है, मीन्स इसमें फ्रिक्वेंसी स्टेबल होती है, ये आपका टूटता भी नहीं जल्दी, और आपका ये पीजो इलेक्ट्रिक फिट भी अच्छा देता है। तो क्या हुआ, इसमें कुछ अच्छा है, इसमें कुछ अच्छा है, इसमें क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, चलिए तो ये आपका मटेरियल्स यूज होते हैं, सबसे बेस्ट कौन सा होता है, क्वार्ट्ज। इसको RF सेंसर वगैरह, RF क्रिस्टल वगैरह जो भी ऑसिलेटर, RF ऑसिलेटर वगैरह जो भी होते हैं वो आप इसमें यूज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो बात हो गई इसकी, एक थोड़ी बहुत थ्योरी की बात हो गई कि क्या होता है कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिस्टल बेसिकली होता क्या है कि आप इसमें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको ये आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, आप फ्रिक्वेंसी कैसे जनरेट करेंगे, मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका बनावट, मीन्स ये कैसा होता है। अगर आप देखो तो कुछ ऐसा फिगर देखते हो, हमेशा से देखते आ रहे हो बचपन से, जब भी आप क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात करते हैं ये आप देखते आएंगे। इवन अगर आप डिप्लोमा बीटे भी करेंगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। अरे आपका तो ऑलमोस्ट डिप्लोमा में बीटे वाला पोर्शन पढ़ ही लेते हो, तो बेटर है कि आप अभी से ही चीज़ों को सीखिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें प्लान है, लेकिन प्लान करके भी जल्दी फेल हो जाता है। हाँ, तो प्लानिंग ये है कि आपके सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपको हेल्प मिले इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। मैं पूरा लिस्ट बना के आपको बताऊंगा, उसके लिए डोंट वरी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सेटअप अच्छे से हो जाए तो फिर करते हैं काम। ठीक है, चलिए आते हैं इस पॉइंट पे।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा ये मटेरियल है, अब इस मटेरियल को मैंने दिखाया इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट टाइप में। अच्छा कैसे दिखाया वो इम्पोर्टेंट है। तो आप एक टॉपिक पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम में, या जनरली हाँ कंट्रोल सिस्टम ही यहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन टाइप बोल सकते हैं आप, या सिंपली मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो वहाँ पे आप स्प्रिंग होता है आपका, आपका स्प्रिंग होता है, फिर आपका मास होता है, तो उसको आप चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो वहाँ पे आप चीज़ों को समझते हैं, तो वो टॉपिक बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ से समझ लीजिए आप कि जो ये आपका जो ये रेक्टेंगल में आयताकार में जो अंदर वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा RLC ही शो कर रहा है, ठीक है। ये पूरा RLC है। R क्या होता है? फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? किसी का अपोज करना। मैकेनिकल में पढ़ते हैं मैकेनिकल में अपोज करता है वो, तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? रेजिस्टेंस, अपोज करता है, विरोध करता है, ठीक है। इसका मास जो होगा वो उसको आप L से डिनोट करेंगे, और C क्या होता है आपका? सिंपली मैकेनिकल इलास्टिसिटी, मीन्स इलास्टिसिटी होती है ना कि आप जब खींचते हो तो वापस वो आ जाता है अपने फॉर्म में, तो वो एनर्जी स्टोर करता है, स्टैटिक एनर्जी आप बोल सकते हो टाइप से, ठीक है। तो आपका वो सी होता है। तो ये जो अंदर का पार्ट है ये आपका RLC शो करता है। अब अगर आप देखो तो ये प्लेट है, अगर देखा है तो ये पैरेलल प्लेट है ना, ऊपर नीचे दोनों पैरेलल प्लेट हैं, और बीच में मटेरियल कोई पड़ा हुआ है। तो आप क्या बोलते हो कि भैया ये कैपेसिटर है, कैसा? संट कैपेसिटर। तो आपने यहाँ पर दिखा दिया संट कैपेसिटर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे ये फिगर डिजाइन हुआ है, क्लियर है। तो ये आपका होता है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, और आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, यानी कि कौन से सही हैं। तो यहाँ कभी आपका एल दे देगा, कभी आर दे देगा, कभी सीएम दे देगा, कभी कुछ दे देगा, तो आपको टिक करना है राइट आंसर पे, ठीक है। चलिए अब आती है बात नेक्स्ट, जो आपका ये पॉइंट है इसमें आपका एक ग्राफ बना हुआ है। क्या बोलते हैं आप? ग्राफ, कर्व। ये आपका इम्पीडेंस है, ये आपका इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस मतलब क्या होता है? करंट का अपोज करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है। तो अगर आप देखो तो F1 पे इम्पीडेंस बहुत कम है और F2 का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा AC का रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट में तो वहाँ पे एक रेजोनेंस कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो अननाद, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि अगर सीरीज सर्किट है, अगर सीरीज सर्किट है तो वहाँ पर इम्पीडेंस कम होता है, करंट आपकी मैक्सिमम होती है। अगर सीरीज सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट है, तो आपका इम्पीडेंस कम होता है और आपका रेजिस्टेंस सॉरी करंट आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर पैरेलल रहा तो आपका इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, करंट कम होता है, सिंपल सी बात है। तो आप ऑफिस बताएं कि F1 क्या होगा भाई? ये सीरीज RLC है, और आपका F2 क्या है? ये आपका पैरेलल RLC है, ठीक है। ये आपका पैरेलल में है तो ये आपका पैरेलल RLC है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम आपका इम्पीडेंस है, यहाँ आपका मिनिमम इम्पीडेंस है, ठीक है। आप ये देखना इन दोनों ग्राफ को ज्वाइंट कर दिया गया है, इसलिए आप कन्फ्यूज ना होना। अगर आप देखें तो आपके बुक्स में दिया रहता है सेपरेटली, मतलब कैसा दिया रहता है? कुछ ऐसा, ये आपका सीरीज के लिए और आपका ये पैरेलल के लिए, ऐसा ग्राफ को मिला रहता है बुक्स में, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है, दैट्स इट। अब आगे बात करें तो एफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 pi √LC, ओके। तो ये आपका एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था क्रिस्टल फिल्टर का, कैसे ये काम करता है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर भी होता है। अच्छा, अभी फिल्टर वर्क कैसे करता है? ऑब्वियस बात आपको पता है कि फिल्टर मतलब होता क्या है? किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को या किसी आवृत्ति को आपको रोकना है और किसी को पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी से जनरेट की, मान लो सपोज कि एफ आपने जनरेट की 50 हर्ट्ज, तो ये 50 हर्ट्ज को कैच कर लेगा, बाकी सबको ये रिमूव कर देगा। या कहने का मतलब ये है, सिंपल सा ट्यूनिंग। कभी आपने सुना होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपने रेडियो सुना है ना बचपन में, अब तो नहीं आता, अब तो मोबाइल वोबाइल में आ गया है चीज़ें हर चीज़। तो आप पहले क्या होता था कि नॉब होता था, उसको ट्यून करते थे, लिखा होता ना उसमें ट्यूनिंग लिखी होती थी, ट्यूनिंग, तो ट्यून करते थे आप। तो क्या होता है वो कि आप L और C की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, L और C की वैल्यू आप चेंज करते हो और आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को मैच कर देते हो, उसको ही आप बोलते हैं मैचिंग प्रोसेस। आपने सुना होगा मैचिंग ना, कभी कभी सुनते हो कि मैच कराना, मैच कराना। मैच मतलब होता क्या है कि कहते हैं ना कि आप अगर लोड को सोर्स से मैच कर दे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, तो वैसा ही कुछ है। जैसे आप 93.5 सुनते हो, तो 93.5 के लिए क्या होता है? आप उस नॉब को घुमाते हो तो L और C की वैल्यू चेंज होती है, तो वो 93.5 आपको हर्ट्ज उससे जब मैच हो जाती है तो आपको वो आवाज़ सुनाई देती है, इसी को आप बोलते हैं मैचिंग, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, आपने SW सुना होगा, उसमें एक बैंड होता है SW जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट वेव। FM सुन रखा है आपने, तो वो फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन होता है। अब एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन होता है, फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन होता है, फेज मॉडुलेशन होता है। तो फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन बेस्ट क्यों है, AM में क्या दिक्कतें आई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो वो इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर मैं यही बताऊं आपको, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पर आपका
अल्टरनेटिंग करंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर आपका कि मैकेनिकल सिस्टम को कैसे आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे वो आ गया, यहाँ पर आपका क्रिस्टल का पूरा थ्योरी आ गया। तो इट मीन्स जैसे से आप आगे बढ़ते हो आपको पीछे की चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा टफ हो जाती चीज़ें। ओके चलिए, तो सॉरी फॉर दैट कि आपका लेक्चर थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा फुल।